बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 मैं आपको करवा रही हूँ। इसका आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और वो पास हो रही है, एक पॉइंट है -4, -6 है और एक लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक लाइन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है और उस लाइन का स्लोप है -3/2, ठीक है। अगर हम इसे कह रहे हैं L1 और ये है L2, तो ये है L1 पे एक पॉइंट और ये है L2 का स्लोप यानी M2। अब हम यहाँ पर हिंट लिखेंगे तो भाई हमें पता है लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप जो है वो बराबर होते हैं -1 के, यानी दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ पर हिंट देंगे, लेट L1 एंड L2 आर टू लाइंस हैविंग स्लोप्स M1 and M2 and lines are perpendicular to each other then their slopes are M1 multiplied by M2 equals to -1। इनके जो स्लोप्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर। अब आपको M2 गिवन है, हेयर M2 equals to -3/2 देन M1 multiplied by -3/2 equals to -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर, तो देखिए माइनस का आपके पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो -1 multiplied by 2 और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके माइनस का 3 डिवाइड करेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो M1 बराबर आ गया 2/3 के। नाउ द लाइन L1 passes through -4, -6 then having slope 2/3 then using slope point formula which is equals to y - y1 = mx - x1। तो इसको हम नाम दे लेंगे x1 का और इसको हम नाम दे लेंगे y1 का। तो y1 है -6, m है 2/3, x - x1 है -4। तो y - -+6, 2/3 as it is, x - -+4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3y + 3 = 18, 2x + 2 = 8। सब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 2x - 3y + 8 है और ये -18 = 0। ये वहाँ जाएंगे, 3y - 18 - तो 2x - 3y - 10 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ठीक है, ये L1 लाइन की जो है आपके पास आ गई है इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लोप
एम टू, यानी एल टू लाइन जो था उसका स्लोप हमें गिवन था, और हमने कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कि हम जानते हैं दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है माइनस वन के, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने लाइन एल वन की जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जस्ट फॉर्मूलाज मैंने आपको जो समझाए हैं वो आपने याद कर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने बस देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले का इंतखाब करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। अल्लाह हाफिज़।